जंग 20 अगस्त में अंतिम हफ्ते में यूक्रेन जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेलेंस्की से मिलकर युद्ध रुकवाने पर दे सकते हैं जोर। 9 जुलाई को पुतिन से भी मिले थे मोदी। करगिल विजय दिवस की जयंती पर शहीद जवानों को पीएम ने श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी, कहा आतंकी आका के मंसूबे होंगे नाकाम। रजत जयंती विजय दिवस पर देश भर में भव्य कार्यक्रम। इंडिया गेट पर महिला ड्रिल टीम ने दिखाया कर्तव्य। कारगिल वार के शहीदों को किया नमन। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर ग्वालियर के महाराज बाड़े में मनाया गया कारगिल विजय दिवस। सेना के अधिकारियों के साथ मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक आज। विकसित भारत के एजेंडे पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता को छोड़कर गैर बीजेपी शासित राज्यों ने किया मीटिंग का बहिष्कार। गैर बीजेपी शासित राज्य तमिलनाडु, केरल, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बैठक में नहीं होंगे शामिल। बजट में राज्यों के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। नीति आयोग की बैठक से पहले ममता का बयान, कहा बजट में बंगाल से भेदभाव का उठाएंगे मुद्दा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के शामिल होने का भी ममता का दावा। उत्तर बंगाल पर बयान देने वाले बीजेपी नेता की मांग पर भड़की ममता बनर्जी, बोली ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये लोग टुकड़े टुकड़े की बात करते थे, अब खुद वही कर रहे। उत्तर बंगाल को लेकर जारी सियासत पर बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार बोले, ममता राज में उत्तर बंगाल वंचित, तो जनता को गुमराह करने वाली मुख्यमंत्री। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर वार, कहा ममता बनर्जी ने कहा उन्हें नीति आयोग पर भरोसा नहीं, फिर वो बैठक में क्यों जा रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिली। इस दौरान आप सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। निशिकांत दुबे ने घुसपैठ का जिक्र करते हुए केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की, कहा झारखंड के संथाल, परगना, बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर नई यूनियन टेरिटरी बने। बंगाल के मुर्शिदाबाद से बीजेपी विधायक शंकर घोष ने निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन किया, कहा मालदा और मुर्शिदाबाद को बचाने के लिए नए केंद्र शासित प्रदेश की जरूरत। निशिकांत दुबे के बयान पर जेएमएम का विरोध, कहा बीजेपी झारखंड का विभाजन करना चाहती है लेकिन हम उनके इरादों को किसी हाल में सफल नहीं होने देंगे। झारखंड एक था और एक ही रहेगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, निशिकांत दुबे ने गृह मंत्री की अक्षमता पर उठाए हैं सवाल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी केंद्र का विषय, केंद्र पूरी तरह से असफल। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय बोले, बीजेपी जितनी बार इस तरह की बात करेगी उसका भविष्य सीपीएम और कांग्रेस की तरह हो जाएगा। अग्निवीर योजना पर विपक्ष को पीएम मोदी का जवाब, सेना में सुधार के लिए कदम, भ्रम न फैलाए विपक्ष। अग्निवीर जैसे मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं विपक्षी लोग। कारगिल विजय दिवस के मौके पर अग्निवीरों के लिए यूपी एमपी और छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी में पुलिस और पीएससी में मिलेगा अग्निवीरों को आरक्षण। छत्तीसगढ़ में भी अग्निवीरों को मिलेगी प्राथमिकता। पुलिस वनरक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर मिलेगा आरक्षण। विष्णुदेव सरकार ने लिया फैसला। अग्निवीरों को लेकर ओडिशा सरकार ने बड़ा ऐलान किया। वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% कोटा और 5 साल की आयु में छूट देने की घोषणा। दिल्ली में सीएम योगी और संगठन महासचिव बीएल संतोष की हुई मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और राज्य के राजनीतिक हालात पर चर्चा। एसपी प्रमुख अखिलेश ने एक्स पोस्ट पर कसा तंज, कहा लगता है डबल इंजन वालों के बीच में एक और इंजन आ गया जो करता है दिल्ली लखनऊ के बीच शंटे। अखिलेश के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा अखिलेश यादव पिछड़ों दलितों के हमेशा विरोधी रहे, वो खुद कांग्रेस पार्टी का मोहरा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, राज्य में सीएम को बदलने की कोई चर्चा या बात नहीं, पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे विधानसभा उपचुनाव।
सीएम योगी से मुलाकात के बाद नर पड़ी अपना दल। कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल प्रयागराज की सभा में योगी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचती नजर आई। यूपी के सुल्तानपुर में राहुल गांधी ने जूते बनाने वाले से बातचीत की। बताया गया कि राहुल ने दुकान में बैठकर जूते में टांके भी लगाए। मानहानि केस में सांसद राहुल गांधी सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए। 5.5 साल पहले अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य का सम्राट चौधरी पर अटैक। बोले सम्राट से पहले पगड़ी छीनी गई, फिर अध्यक्ष पद गया और आने वाले समय में मंत्री पद भी चला जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। बोले आरजेडी में 27 साल तक एक ही व्यक्ति पार्टी प्रमुख रहा, बीजेपी में ऐसा नहीं होता। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले महागठबंधन को सम्राट चौधरी का तेवर पता नहीं, अभी वो अपनी पगड़ी उतारे हैं, महागठबंधन में सबकी पगड़ी उतार देंगे। बिहार बीजेपी में बदलाव पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। कहा बिहार में किसी बीजेपी नेता के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला, इसलिए खोजा जा रहा है चेहरा। हरियाणा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कसी कमर। आज से सुनीता केजरीवाल 2 दिन तक अंबाला, रोहतक और भिवानी में करेंगे चुनाव प्रचार। सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप। कहा सदन में मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में बीजेपी सांसदों ने मुझे जेल में भेजने की धमकी दी, पिछड़ों के हक में बात करने पर दी गई चेतावनी। बिजली बिलों में बढ़ोतरी के कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के कई नेता हुए शामिल। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार का बड़ा फैसला। रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। रामनगर का नाम बदलने पर कर्नाटक में सियासी घमासान। बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी बोले इससे पता चलता है कि कांग्रेस को राम के नाम से भी एलर्जी है। गुजरात में छात्रों ने किया अनूठा प्रदर्शन, पकौड़ा बनाकर जताया विरोध। बंद कॉलेज को फिर से शुरू करने के लिए छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के जोधपुर में बीएसपी नेता बजरंग लाल बागड़ा का दावा। कहा हिंदुओं को मुस्लिम और ईसाई मिशनरी से खतरा। कहा अपने ही देश में हिंदू अल्पसंख्यक न हो जाए। महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। बोले हिंदू औरतें फिगर मेंटेन करना बंद करें, कम से कम 4 संतान होनी चाहिए। नेमप्लेट विवाद पर बागेश्वर बाबा बोले दुकानों पर नाम लिखना सही है जबकि नाम छिपाना गलत। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर का किया सम्मान। गाजियाबाद के कुछ इलाकों में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता दुकानों पर गर्व से कहो हम हिंदू वाले लगा रहे हैं बोर्ड, दुकान मालिकों का नाम भी लिख रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा रूट पर मस्जिदों और मजारों के सामने लगे पर्दों को पुलिस ने हटाया। मस्जिद कमेटी का आरोप प्रशासन के पास पर्दा लगाने का कोई ठोस वजह नहीं। यूपी के मेरठ में कांवड़ियों ने मचाया उत्पात। कांवड़ खंडित होने के आरोप में कांवड़ियों ने कार में की तोड़फोड़। कांवड़ियों का ट्रक चोरी कर भाग रहे आरोपी का एक्सीडेंट। हादसे में आरोपी गंभीर रूप से घायल। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ बारिश का असर। बारिश की वजह से कई गांव में भरा पानी। बाढ़ का सबसे ज्यादा नवसारी जिले में दिख रहा है असर। दक्षिणी गुजरात में बाढ़ बारिश से भारी तबाही। 2,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गुजरात के तापी जिले में 500 लोगों का किया गया रेस्क्यू। नवसारी शहर और आसपास के इलाकों में रहने वाले 2,200 लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया। नवसारी में 24 घंटे के भीतर 6 इंच से ज्यादा बरसात। पटरी से उतरी लोगों की जिंदगी। पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ा। नवसारी जिले में अधिकतर जगहों पर सड़कों पर बह रहा पानी। 70 सड़कों और 4 मुख्य सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बंद। कई गांव में पानी भरने से 113 आंतरिक सड़कें बंद। दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। डांग जिला भी भारी बारिश से प्रभावित हुआ। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में दरसुरा गांव पर बने बांध की दीवार टूटी। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में घुसा 7 से 8 फीट पानी। छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार में बांध टूटने के बाद गांव डूबे। गणेशपुर गांव में 8 फीट तक भरा डैम का पानी। गांव के लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने निकाला। रात में भी चला रेस्क्यू अभियान। ग्रामीणों ने अचानक पानी आने के बाद जो जहां था वहां से भागा।
छत्तीसगढ़ में उफनाई शिवनाथ नदी का कई इलाकों में कहर, स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में भरा पानी। मूसलाधार बरसात से मध्य प्रदेश का रायसेन जिला पानी पानी, गिरवर इलाके में कोड़ी नदी के उफान से निचले इलाकों में भरा पानी, कई इलाकों में भारी बारिश से लोगों को दिक्कत। एमपी के डिंडौरी में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का बुरा हाल, क्लास में छाता लेकर बैठने को मजबूर छात्र, 2005 में बनी बिल्डिंग में कई जगह से रिस रहा पानी। मध्य प्रदेश के खरगोन में बाढ़ में फंसी छात्रा को लोगों ने बचाया, बलिया अंबा गांव में चीतल नदी का पुल पार करने के दौरान घटना, पुल के बीच पहुंचने पर एकाएक पानी बढ़ गया। आज का कोंकण और गोवा सहित देश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी, ओडिशा छत्तीसगढ़ के लिए अलर्ट जारी, लद्दाख और लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना। पुणे में बारिश रुकने के बावजूद रात नहीं, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, पुणे सिटी के रिहायशी इलाके में पानी भरा, कई इलाकों में लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल। पुणे में आई बाढ़ से भारी नुकसान, एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा सरकार के कुप्रबंधन के कारण आम जनता परेशान, ईमानदार करदाताओं को सरकार ने धोखा दिया। महाराष्ट्र के अलीबाग तट के पास अरब सागर में बही बोट के 14 कर्मचारियों का रेस्क्यू, कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर की मदद से सभी लोगों को बचा लिया। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार को दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंसराज गौरव सम्मान से नवाजा गया, डीयू के वाइस चांसलर योगेश सिंह और हंसराज कॉलेज के प्रिंसिपल रमा ने ये सम्मान दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डीजीपी प्रशांत कुमार के कामकाज की तारीफ की और उनकी मूछों को उनकी पहचान बताया। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल सोनी कोर्ट आज करेगा सुनवाई, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की याचिका, अधिग्रहण में धोखाधड़ी का आरोप। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न का मामला, दिल्ली पुलिस की कैंसलेशन रिपोर्ट स्वीकार करने पर पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने का मामला, मुंबई की विशेष वकोका अदालत ने जारी किया अनमोल बिश्नोई और बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट। नकल माफियाओं ने की सीएसईआर नेट परीक्षा में सेंध मारी, मेरठ के सौभारती विश्वविद्यालय से 3 कर्मचारियों को पकड़ा गया। फर्जी पासपोर्ट के जरिए पाकिस्तान जाने का मामला, ठाणे के एक डिजिटल आधार केंद्र से बनवाए गए थे फर्जी दस्तावेज। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो ने घोटाले का खुलासा किया, करीब 200 करोड़ रुपए के घोटाले का। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में धर्मांतरण के लिए उकसाने का आरोप, ब्लैकमेल एकेडमी के संचालिका और उसके पति भेजे गए जेल।